अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चिकन समोसे की रेसिपी दूंगी और स्टेप बाय स्टेप फोल्डिंग टेक्निक्स भी सिखाऊंगी। बहुत से लोगों को फोल्डिंग टेक्निक्स नहीं आती, जिसकी वजह से अक्सर समोसा फ्राई करते हुए टूट जाता है और सही नहीं बनता। अगर आप इस रेसिपी को सही से फॉलो करेंगे तो आपका समोसा परफेक्ट बनेगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। समोसा बनाने के लिए आपको चाहिए होगा आधे किलो चिकन का कीमा, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हसबे जायका नमक, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 बारीक चॉप्ड हरी मिर्च, 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 छोटी प्याज बारीक चॉप हुई भी। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो 1 बारीक चॉप हुई प्याज ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को गोल्डन नहीं करना है। प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 किलो चिकन का कीमा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन का कलर चेंज होने तक हमें इसे फ्राई करना है। तो चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 बारीक चॉप हुई हुई हरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हसबे जायका नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल दें और मिक्स कर लें। इसे कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए। और बीच में एक दफ़ा चेक कर लें। मुझे पानी कम लगा था तो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून और डाल दिया था। तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। अब इसका कवर हटा देंगे। कीमा हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब फ्लेम को हाई करेंगे और अच्छे से 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। हमारी समोसे की फिलिंग तैयार हो गई है। अब चूल्हा बंद कर देंगे। अब मैदे का पेस्ट बनाएंगे। एक बोल में ऐड कर दें 1 टेबल स्पून जितना मैदा। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट रेडी है। अब एक समोसा शीट लेंगे। समोसा शीट मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। उसकी रेसिपी के लिए मैं ऊपर लिंक डाल दूंगी, तो आप वो फॉलो कर लीजिएगा। अब समोसा शीट को इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करें। इस पे मैदे का पेस्ट लगा दें। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे और एक साइड से आप देखेंगे कि नोक तैयार हो जाएगी। इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। अब इस साइड पर भी पेस्ट लगा देंगे। अच्छे से प्रेस करेंगे। अब इसमें स्टफिंग कर लेंगे। इसे इस तरह से ऊपर से फोल्ड करेंगे। इस साइड पे पेस्ट लगा लेंगे और फोल्ड कर देंगे। अब दूसरी साइड पे भी पेस्ट लगा लेंगे और इसको भी फोल्ड कर देंगे। तो हमारा एक समोसा तैयार हो गया है। बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि नोक के बीच में गैप ना हो। अब इसी तरह से सारे समोसे तैयार कर लेंगे।
अब अगर आपको इन्हें फ्रीज़ करना है तो आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, अब इसमें एक एक करके समोसा ऐड कर देंगे। इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखें, एक साइड गोल्डन होना शुरू हो गई है, अब इसे टर्न कर लेंगे। तो ये देखें, समोसा अच्छे से गोल्डन हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। इसे पेपर टॉवल पर रख दें ताकि जितना भी एक्सेसिव ऑयल है वो निकल जाए। तो तैयार है हमारे मज़ेदार चिकन समोसे, बहुत ही ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। सहरा है खयामा, गुलजार है मैदान।